Hey guys, my name is Gautam Singh Wing and you're watching me on Telefilms. Thank you. यार मैंने कुछ प्रेप ही नहीं किया ना, मैंने बिग बॉस के घर में जाने से प्रेप किया था पहले ना, मैंने अवार्ड से पहले कुछ प्रेप किया, मुझे जो मिला जैसा मिला मैं बस पहन के आ गया। आई थिंक मेरे डिज़ाइनर हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे कपड़े बेचते हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट मुझे ये अवार्ड दिया गया और इतनी दादा साहब फाल्के सम्मानित किया गया। सो आई एम वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी ब्लेस्ड और थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट वे, सो लेट मी इन्जॉय। या the most endearing personality on a television industry. Real में जो मोहब्बत मिल रही थी अवार्ड में भी वही मोहब्बत मिली है एंड आई थिंक आई विल मेक माई पीपल, माई फैंस प्राउड अगेन। वट एवर आई डू द प्रोजेक्ट्स आई डू, मेरा यही फोकस था बिग बॉस के अंदर भी कि मैं जब तक अंदर रहूँ आई मेक श्योर कि सब अच्छे से रहे। या घर के अंदर का एंथम जो सुबह हम गाते थे, हम है बिग बॉस के वासी नाक छोड़ी कमी जरा सी। या इट वॉज़ वेरी इरीटेटिंग बट आई एम स्टिल मिसिंग दैट। सुबह रोज सुबह अलार्म की जगह मैं सोचता हूँ वही बजेगा और या दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक आई एम मिसिंग राइट नाउ एंड प्लस यू नो व्हाट एल्स आई एम मिसिंग, आई एम मिसिंग सौंदर्य समवेयर। या सब गेम खेल रहे हैं यार, सब गेम खेल रहे हैं, अच्छा गेम खेल रहे हैं। एक जगह आप अपनी बेटी को समझाते हैं फ़ोन कॉल पे, उसके बाद बोलते हैं कि मेरी बेटी को वोट मत कीजिए। मतलब अगर आप इतने ही श्योर थे पहले भी तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था आई थिंक, और लेकिन अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, जेन्युइनली बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मेरी बेटी का थोड़ा सा चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनकी नेचर को लेके या उनकी पर्सनालिटी को लेके। तो इफ़ इज सेइंग जेन्युइनली सो आई थिंक पीपल शुड लिसन, लेकिन वो लोग नहीं सुनेंगे उनकी। सो अभी वो जितना है उसको खेलने दो अंदर यार, शी इज़ 19, उसको खेलने दो। यही तो बोला था आपने कि मैंने आपको खेलने के लिए भेजा है, दुनिया देखने के लिए भेजा है, तो देखने दो और उसके बाद देखो वो क्या करती हैं। आई थिंक ये चीज़ें तो पहले दिन से हो रही हैं घर में, माँ बाप के ऊपर जाया जा रहा है सबके। मैं नहीं गया, बाकी लोग गए हैं, चाहे वो साजिद खान हो, चाहे वो अर्चना हो, चाहे वो बाकी लोग भी हों, लेकिन अब बोला जा रहा है तो अब क्यों टेंशन हो रही है। और अगर उन्होंने आपके फादर के लिए बोला तो आप भी तो उनकी मॉम के लिए गालियाँ दे रहे हैं। और तो आई थिंक अगर आप बोलने का दम रखते हैं तो सुनने का भी रखिए। और अर्चना ने बोला एंड आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट उन्होंने जितनी भी लड़ाई की वे डिग्निटी की, उन्होंने कुछ अब्यूज़ नहीं किया साजिद खान को, जो उन्होंने किया एक लड़की हो के। अगर आप अपनी इमेज ठीक करने आए उस घर के अंदर लेकिन आप लड़कियों को गालियाँ दे रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स यू आर हिपोक्रेट राइट। इफ आई गो इन साइड श्योरली आई गो विद अ बैंग, आई थिंक आई प्ले सोलो अगेन एज यूजल, बट आई विल टारगेट द साजिद खान गैंग। मैं उन्हीं को टारगेट करूँगा क्योंकि वो ही एक जो जुट बना हुआ है उन्हीं को टारगेट करना है मुझे। और एंड आई गो विद अ बैंग एंड आई मेक श्योर कि उनका वो गैंग टूटे जिससे उन सबकी असलियत सामने आए। आई थिंक इसलिए कहीं ना कहीं मुझे निकाला भी गया था क्योंकि आई थिंक मैं कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान था जो उनकी सच्चाई, सच्चे चेहरे सामने ला सकता था। तो जैसे ही शालिन भनोट को मौका मिला तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, बट इफ़ आई गो बैक तो मुझे पता है क्या करना। और जो बाहर मैंने सुना है उसके बाद अब मैं वापस जाऊँगा तो ऑफकोर्स घायल सर जो बंदा जाके धाड़ेगा तो सब चीखेंगे।